what it says. Let us have a look. It says that write the coefficient of x squared. Write the coefficient of x squared. Coefficient of x square, comma, in the following. Okay, first one. बच्चा मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था, कोएफिशिएंट का मतलब है कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का नंबर है मतलब है नंबर. आई रिपीट फॉर द सेकेंड टाइम, कोएफिशिएंट का मतलब है नंबर, नंबर का मतलब है कांस्टेंट. ओके, सो एक्स स्क्वायर के बाजू का नंबर चाहिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. यू नो वेरी वेल, तुझे अच्छे से पता है, बचपन में तुझे सिखाया गया था, कुछ नहीं बोले तो वन है, कुछ नहीं कोएफिशिएंट बोले तो वन है. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और ऐसा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन. नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग डालने के लिए नहीं है. अब मैं एक्साइटेड हूं, बच्चा क्या बोलता है, मैं चैट बॉक्स में चेक करूंगा. बोल कोएफिशिएंट क्या है, डायरेक्टली आंसर लिखूंगा. कोएफिशिएंट क्या है, मैं देख रहा हूं इधर बच्चा है ना, एक बच्चा वन बोल रहा है, इसीलिए मर्डर है ये मैथ्स का, ये वन बोलने पर मर्डर है मैथ्स का बच्चा. इधर क्लियरली दिख रहा है तुझे वन बोलना मर्डर है, इधर वन दिख रहा है बट ये साइन दे, यही तो मिस्टेक किया है पेपर में, मैं थक गया बोल के. मतलब 80% पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन 3-5 ऐसा कुछ, इधर कुछ था, इधर कुछ था, आई थिंक सो पेपर में जब मैंने इवेल्युएट किया था इधर रूट 5 था, एंड बच्चा लिखा है 3-5 को 2 लिखा है. मतलब मैं बोल रहा हूं 80% ने ये मिस्टेक किया है, 80% ने ये मिस्टेक किया. क्या तुम मानता है ये सब तुमने मिस्टेक, ऐसे ग्रेट मिस्टेक्स तुम करते हो, 3-5 को तुम 2 लिखते हो, मतलब ऐसे ग्रेट मिस्टेक्स तुमने किए हैं. मतलब गला फाड़ के भी सर बोला रहता है करके, गला फाड़ के भी सर बोला रहता है कि साइन के ऊपर ध्यान दे, साइन के ऊपर ध्यान दे. मतलब कितना भी बोला, अगर तू ऐसे वाला मिस्टेक करेगा तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं. 3-5 -2 बच्चा, वो बोलने पर भी तो आप इसे वही 2 लिखता है बोले तो. इसीलिए मैं बोला फोकस की कमी है. खैर ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइन. Here it is -1. Next, third one. मैं इस चैप्टर में भी बताते रहूंगा मिस्टेक किधर होता है, क्या करना है, मिस्टेक किधर अवॉइड करना है. अभी तो इंप्रूव हो, रिपीट मत कर तेरे मिस्टेक्स. हाँ, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तुझे पता है कोएफिशिएंट है π/2, कोएफिशिएंट π/2 है. फोर्थ वन, ये तो मस्त है. फोर्थ वन मैं देखता हूं कौन बोलता है. √x-1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x. बोल अभी कोएफिशिएंट क्या है, कौन बोलेगा करेक्ट. वेरी गुड सर, इसका कोएफिशिएंट 0 है, इसका कोएफिशिएंट 0 है, इसका कोएफिशिएंट 0 है. क्यों सर, x स्क्वायर ही नहीं है. हा सर, x स्क्वायर ही नहीं है तो कहीं का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए इसका कोएफिशिएंट 0 है. ये था सेकेंड रोमन नंबर. ओके, इसी चैप्टर में थर्ड रोमन नंबर, फोर्थ और फिफ्थ रोमन नंबर भी है, मैं सब वो करने वाला हूं. एंड देन एक्सरसाइज 2.2 हम आगे बढ़ने वाले हैं कल. आज ये एक्सरसाइज खत्म करके हम क्लास को हम हॉल्ट करने वाले हैं. ओके, तो मे आई रब दी बोर्ड बच्चा, मे आई रब दी बोर्ड. फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है बच्चा, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं दिमाग लाने के लिए. एक्चुअली अलजेब्रा पॉलीनोमियल चालू होता है सेकेंड एक्सरसाइज से, तो थर्ड आज हम करने वाले हैं, थर्ड एक्सरसाइज, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ सब रोमन. कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2. ठीक, आई होप बुक बराबर मेंटेन है, तो आप कॉपी कर रहा होगा तो बराबर पोजिशन में बैठ के, बराबर से सोते सोते लेटे लेटे क्लास करना नहीं है, ज्ञान चढ़ेगा नहीं. ओके, बराबर से पोजीशन में बैठ के ज्ञान को लेना है आदर भाव से. ओके, नेक्स्ट रोमन नंबर 3. गिव एग्जाम्पल फॉर
फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 35 नहीं गिव एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बाइनोमियल चाहिए एग्जांपल फॉर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3 तुझे 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 10 मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 वेरी सिंपल बाइनोमियल फर्स्ट वन और हम सेकेंड वन डाल देते हैं फर्स्ट वन बाइनोमियल मतलब पावर होना चाहिए सॉरी बाइनोमियल मतलब 2 और डिग्री 35 होना चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू 35 प्लस 4 इक्वल टू 0 ओके एक्स रेज टू 35 प्लस 4 इक्वल टू 0 हालांकि 0 नहीं डाला तो भी चलता है ओके ऐसा कोई रूल नहीं है 0 डालना है बट कोई भी अल्फाबेट ले somebody will tell सर कैन आई टेक वाई ले ले सर कैन आई टेक जेड ले ले बट मेरा एक रिक्वेस्ट है ट्राई टू टेक इन एक्स वाई जेड ओनली डोंट टेक एनी अदर नंबर ट्राई टू कीप इट इन एक्स वाई जेड ओनली डोंट टेक एनी अदर नंबर ओके बाइनोमियल मतलब 2 ओके एंड मोनोमियल इधर एक्स लिया तो मैं वाई लूंगा वाई रेज टू 100 बस इतना ही तो जेड ले बट मोनोमियल मोनो मतलब अकेला बाय मतलब 2 ट्राई मतलब 3 ओके क्या आई थिंक सो ये तो बहुत सिंपल है ये तो बचपन का 8th का बेसिक नॉलेज है इधर तक तो क्लियर है ना एग्जाम्पल नंबर 3 इज डन आई स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 4 यस एग्जाम्पल नंबर 4 बट वन थिंग इज वेरी क्लियर यू हैव टू टेक 35 ओनली यू कैन नॉट टेक एनी अदर नंबर यहां पे डिग्री 35 है यू हैव टू टेक 35 ओनली एंड हियर यू हैव टू टेक डिग्री 100 ओनली यू कैन नॉट चेंज द डिग्री आगे पीछे नंबर कुछ भी डाल इधर 42 डाल इधर 12 डाल वो सब चलता है आगे पीछे कुछ भी डाल इंपॉर्टेंट क्या डिग्री सेम आना चाहिए ओके जो बोला है वही डिग्री आना चाहिए आगे पीछे कुछ भी डाल इधर कुछ और डाल चलेगा इधर नंबर मत डाल कुछ और डाल वो भी चलेगा बट कंडीशन इज दिस शुड बी 35 नेक्स्ट रोमन नंबर 4 नेक्स्ट रोमन नंबर 4 राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इतना सिंपल है सब कर लेगा सब लोग कर पाएंगे राइट ने लिखा एक मिनट सॉरी राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट वन 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x सबको पता है आंसर क्या आने वाला है मैं तो भी सब क्वेश्चन लिख लेता हूं मुझे पता है कि सबको आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक करेगा नहीं मिस्टेक करेगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा फिर मेरे को इधर एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर बच्चा मिस्टेक करेगा तो हमारे लिए ये जो टाइम मिला है कोविड का इट इज अ गोल्डन टाइम टू यूटिलाइज आई थिंक सो मैंने ये पूछा था फोर्थ वन बोल दे मेरे लिए बस मेरे लिए फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है बाकी तो तू बोल ही देगा मेरे लिए फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है बाकी तो तू बोल ही देगा मुझे मालूम है मैं एक चैट बॉक्स देख रहा हूं बहुत अच्छे बच्चा फोर्थ वन एक बच्चे ने रॉन्ग बोला है उसको छोड़ के सब ने सही बोला है फोर्थ वन का दो बच्चे ने रॉन्ग बोला इसका 3 है डिग्री इसका 2 है डिग्री इसका 1 है इसका 0 है क्यों हमको कोएफिशिएंट है हमको क्या है डिग्री यानी पावर ऑफ वेरिएबल मैंने क्लियरली बोला है डिग्री यानी पावर ऑफ वेरिएबल यहां पे वेरिएबल नहीं है यहां पे कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट का डिग्री नहीं लिखने का वेरिएबल का डिग्री लिखने का बोल क्लियर है डन
सबको क्लियर है, डन। एंड लास्ट रोमन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5th, एंड देन वील एंड टूडे सेशन। ओके बच्चा, डिस्कशन कंटिन्यूज विद द फोर्थ रोमन नंबर, डिस्कशन कंटिन्यूज विद द फोर्थ रोमन नंबर। फोर्थ नहीं, सॉरी, फिफ्थ रोमन नंबर ना, फिफ्थ रोमन नंबर। ओके, होल्ड ऑन, सॉरी, सो सॉरी। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बहुत सिंपल है रे, लीनियर एनी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक एनी डिग्री 2, क्यूबिक एनी डिग्री 3, फर्स्ट वन। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं शॉर्ट में बाद में लिखूंगा, तू मैच कर, एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड वन। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ वन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, वन प्लस एक्स, फिफ्थ वन, थ्री टी, सिक्स वन, आर स्क्वायर, सेवेंथ वन, यू काइंडली वेरीफाई, 7x³। मैं शॉर्ट में लिखूंगा एंड देन वी एंड द सेशन फॉर टुडे। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं बोले तो 1, कुछ नहीं बोले तो 1, हाईएस्ट पावर इज 1 तो ये लीनियर है। अगेन, यहां पे हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर है, यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, यहां पे हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक है, बस हो गया। 6th रोमन नंबर है क्या? नहीं है बच्चा। सो एक्चुअल चैप्टर तो कल से स्टार्ट होगा, ये तो बस इंट्रोडक्शन था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल, ये सब का क्लासिफिकेशन, मोनोमियल, डिग्री, ये सारा बेसिक्स था। रियल चैप्टर होता है कल से चालू। सो मिस करना बहुत महंगा पड़ेगा, मैं रिपीटेडली बता रहा हूं, पूरा का पूरा 10th 9th का बहुत सारी चीजें पॉलिनोमियल के ऊपर टिका हुआ है। फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड आस्किंग लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड टेकिंग पार्ट, इंटरेस्ट लाना है पढ़ाई में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय टीचिंग यू ट्रिक्स, बट पार्टिसिपेशन आस्किंग डाउट इज मैंडेटरी। ओके।